हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल्स। आज के सेशन में एसबीआई पीओ प्री 2018 का आज का जो फर्स्ट लोड था उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नंबर सीरीज 5 आई है क्वांट में और पांचों मिसिंग नंबर्स हैं। लेवल इजी टू मॉडरेट है इनका और इसी के 3 क्वेश्चन बच्चों से मिले हैं वो ही डिस्कस करेंगे, ताकि जो बच्चे सेकेंड का तो नहीं, एटलीस्ट जो थर्ड और फोर्थ लोड के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा गाइड कर पाए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 200 101 102 देन क्वेश्चन मार्क और 309। इस क्वेश्चन को अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें एक जोड़ दें तो क्या हो गया, 200 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में एक जोड़ दोगे तो 101। अब हाफ को अगर मैं एक कर दूं, हाफ का डबल एक कर दिया और उसमें एक जोड़ दूं तो 102। और इसको अगर मैं यहां, अब अपने पास क्या दुविधा है कि ये हाफ हुआ एक, या तो ये दो होगा या ये डेढ़ होगा। भाई डेढ़ इसलिए होगा कि 0.5 जोड़ते जा रहे हैं। अब अगर मैं इसको दो करता हूं तो ये 200 हो जाएगा और फिर ये 309 तो छोटा रह गया, तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसमें एक जोड़ देता हूं। तो 102 को डेढ़ से करोगे तो 100 का डेढ़ गुणा डेढ़, 100 दो का 3, 153 और एक 154, 154। और यही आपका आंसर आ जाएगा। चेक करने के लिए आप इसको देख सकते हैं, आप इसको दो से मल्टीप्लाई करें, एक जोड़ दें, 154 का डबल 308 और एक जोड़ोगे तो 309 आपका चेक हो रहा है, तो 154 जो है वो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या, 5000 1000 400 312 20। आप देख रहे हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में है और रिपीडली घट रहा है, इसका मतलब किसी चीज से ये संख्याएं डिवाइड हो रही। अगर मैं 5000 को भाग करूं किससे, 5 से, तो 1000 आ गया। और 1000 को अगर मैं 2.5 से करूं, इसका 5 का आधा कर लिया मैंने, 5000 को 2.5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 400 आ गए, 400 2 1000। और 400 को अगर मैं 1.25 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, देखो 400 बटा 1.25, आप इसका पॉइंट हटा लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 चौके 100 25 पंजे 125 और ये हो गया 80, 8 चौके 32 320 320 ही हो रहा है। इसका मतलब ये 400 को एक पॉइंट, तो ये अपने सीक्वेंस पकड़ में आ गई, 5 2.5 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 0.625। तो 0.625 से 320 को डिवाइड कर लीजिए, 0.625 से डिवाइड करने के लिए यहाँ 625 से डिवाइड कर लो और 1000 से गुणा कर दो, पॉइंट हटा दिया इसका, तो 25 से मैं करूंगा तो 6 चौके 24 25 25 625, इसको मैं करूंगा तो 40, 5 8 40, 5 5 25, 5 को अगर इससे करूं 5 6 30 और 5 चौके 20। अब 60 को 60 प्लस 4 मानो, इसको 60 को मैं 8 से करूंगा, 8 6 48, 60 प्लस 4 × 8 मानो, इसको 8 6 48 480 प्लस 32 कितना हो गया, 480 और 20 500 और 12 और बच गया, तो ये हो गया 512, तो 512 यही आपका आंसर आ जाएगा, 512 ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 2 है, फिर 15 है, फिर ये 17 है, तो 160 116 है, तो इसको 2 से 15, तो इसको किसी न किसी संख्या से इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 × 8 और उसमें से 1 घटा देता हूं, राइट। और अब आप देखेंगे अगर मैं इसको 4 से करूं तो ये क्या आ जाएगा, और 1 घटाऊंगा तो 59, 59 को जब मैं इसको 8 से किया, फिर 4 से किया, फिर 2 से किया, फिर 1 से किया, क्योंकि यहां मुझे नजर आ रहा है कि ये मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, 1 जुड़ रहा है, तो यहां तक मुझे 1 लाना है, तो ये 8 हो गया, 4 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, मिल गई सीरीज आपको, इंटू 4 − 1, तो 15 चौके 60 में से 1 गया 59, तो 59 आपका आंसर आ गया। अब 59 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 घटा लेंगे, तो 59 का डबल 118 में से 1 गया, 117 आ रहा है, और इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करके अगर 1 घटाएंगे तो 117 में से 116, ये चेक भी हो रहा है, तो 59 आपका राइट आंसर आ गया। तो ये 3 नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे जो हमने आपसे शेयर की, और क्वेश्चन जैसे ही मिलेंगे, अप्रोक्सीमेशन आज आया नहीं है, क्वाड्रेटिक आई है, अगर क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन मिलते ही आपको करते हैं। क्वांट में अगर आप देखें तो इसमें आपके मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन पूछे गए, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो मैंने मेरे एनालिसिस में भी अगर आपने देखा हो, उसमें मैंने जो एक्सपेक्टेशन जो दी थी उसमें भी मैंने कहा था
अगर अप्रोक्सीमेशन आएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं आएगी, और हो सकता है जो सेकंड स्लॉट है उसमें अप्रोक्सीमेशन के पांच क्वेश्चन आए, क्वाड्रेटिक फिर उसमें वो नहीं देंगे। क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू के कंपैरिजन के वे पांच क्वेश्चन दे रहे हैं, वो इसमें भी आए हैं। मिसलेनियस के 10 क्वेश्चन दिए हैं और डीआई दो डीआई दी है, एक बार ग्राफ पे है एक डबल पाई पे। तो आपके क्वेश्चन हो गए पांच नंबर सीरीज, पांच क्वाड्रेटिक, 10 दो डीआई, 20, पांच हो गए आपके क्वांटिटी कंपैरिजन, क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू का कंपैरिजन, और 10 रह गए मिसलेनियस, इसमें डिफरेंट टॉपिक्स आपके अर्थमेटिक प्रॉब्लम। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, और जिन बच्चों का थर्ड और फोर्थ में है उनके लिए आई थिंक ये हेल्पफुल रहेगा। जैसे ही दूसरा वीडियो कोई क्वेश्चंस का मिलेगा तो तुरंत लेके आपके पास आओ। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।